इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है, लव जिहाद को लेकर उन्होंने बयान दिया है और लव जिहाद को रोकने के लिए ब्राह्मणों को एकजुट होना होगा। धर्मांतरण रोकना है तो एक साथ आना होगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही। द्वारका पीठ के शंकराचार्य की तरफ से एक बड़ा बयान आया लव जिहाद को लेकर, कहा कि लव जिहाद को अगर रोकना है तो इसके लिए सभी ब्राह्मणों को एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा, तभी धर्मांतरण रुक सकता है। उन्होंने जो आज सम्मेलन बुलाकर के और समाज को जागृत करने का प्रयास किया है, शासन के सामने अपनी समस्या रखने की कोशिश की है, देखो भगवान की जो सृष्टि है ना, भगवान की सृष्टि में तो क्या कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुहि आए, तिन महु तुज दुज महु श्रुति धारी। हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हमें यह भी विचार कर लेना होगा कि क्या हम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, विचार होना चाहिए। दमोह से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लड़की की अश्लील फोटो पोस्ट करने का जो मामला है, इसमें पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई और फेक आईडी से हिंदू लड़की का फोटो उसने पोस्ट कर दिया। पीड़ित के परिजनों का यह आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान लड़की के फोन से ये फोटो चुराई गई और उसके बाद इसे पोस्ट कर दिया। भिंड में कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की जुबान फिसली, खिजर मोहम्मद कुरैशी की जुबान फिसली है। चुनाव लड़ने के लिए प्रज्ञा ठाकुर आ जाएं या फिर दिग्विजय सिंह, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। लहार में गोविंद सिंह को हराने वाला कोई नहीं, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की जड़ें बहुत गहरी हैं। मोहम्मद कुरैशी की ये जुबान फिसली और अपनी ही पार्टी के दिग्विजय सिंह को भी वो चुनौती देते नजर आए। गोविंद सिंह के समर्थक खिजर मोहम्मद कुरैशी माने जाते हैं और उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के साथ साथ दिग्विजय सिंह तक का नाम ले लिया। आ जाए दिग्विजय सिंह, आ जाए जो चंदावली आ जाए और वहां से विधानसभा से लहार से लड़े, मुंह की खाके वापिस जाना पड़ेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह का कोई विकल्प नहीं है। गांव गांव गली गली उस आदमी की जड़ें इतनी गहरी, उसके डॉक्टर गोविंद सिंह ऊपर दिखते हैं ना, उससे 10 गुना गहरे उनके स्थायी तरीके से कदम है। डॉक्टर गोविंद सिंह 24 घंटे की राजनीति करते हैं, तो क्या बरसों से एक तरफा जनता का काम करते हैं। उन्हें कोई उज्जैन में इस्कॉन मंदिर में पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ का दूध दही घी और फलों के रस से अभिषेक कराया गया। श्रद्धालुओं को भी भगवान जगन्नाथ का अभिषेक करने का मौका मिला। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना हरे कृष्ण हरे रामा की धुन पर श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए। इस बार 20 जून को रथ उत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत। भगवान जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म के रूप में काष्ठ प्रतिमा के रूप में प्राकट्य हुआ था, उनका आज स्नान हो रहा है और ये पहला ऐसा दिन होता है साल भर में जब भगवान का कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से अभिषेक करा सकता है। तो इनका बहुत ही जोरदार अभिषेक हुआ, पहली बार भगवान की प्रतिमाएं बनी, तो उसके बाद क्या हुआ, ये बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिन बाद ये भ्रमण के लिए निकलते हैं जिसको कि रथ यात्रा कहते हैं। अब बात बालाघाट की, जहां पर कोका गांव में एक बाघ घायल हालत में मिला। ग्रामीणों की इतला पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बाघ को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बताएं कि कोहमा गांव कान्हा नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ काम। खबर सिवनी से, जहां पर बाघिन और उसके 4 शावक मस्ती करते हुए कैद हो गए। पेंट टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे ये मस्ती करते हुए अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और इसे देखकर आपका भी मन गदगद हो जाएगा। टाइगर रिजर्व के खबासा बफर जोन में बीजा मट्टा बाघिन और उसके 4 शावक जंगल की सड़क पर चहल कदमी करते हुए नजर आए हैं। मस्ती करते हुए किसी पर्यटक ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया।
और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। हट सकती है मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक, अगली कैबिनेट में नई तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी, 10 से 15 दिन के लिए तबादलों पर रोक हटाने की तैयारी। इंदौर में बीजेपी ने 51 बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट कर मनाया मंगल दिवस, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर किया गया आयोजन, बच्चों को दिव्य पैलेस होटल में खाना खिलाकर दिए गिफ्ट। आतंकी मॉड्यूल की जांच करने भोपाल पहुंची एनआईए की खास टीम, एसटीएफ की मदद से एनआईए की टीम करेगी जांच, टेरर मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार लोगों से होगी पूछताछ। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नेहरू पार्क पहुंची टॉय ट्रेन, राजस्थान के भीलवाड़ा से इंदौर पहुंचे ट्रेन के इंजन और डिब्बे, 11 एकड़ में फैले नेहरू पार्क को 8 करोड़ की लागत से किया गया विकसित। खरगोन में मिट्टी के खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत, वडूर थाने के भटवाली गांव की घटना, मिट्टी खोदने के दौरान हुआ हादसा। मुरैना में कोतवाली थाना पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 20 बोरे में गांजा भरकर ले जा रहे थे, पौधे लगाने वाले गमलों की आड़ में कर रहे थे तस्करी। बालाघाट के कोका गांव में घायल हालत में मिला बाघ, कान्हा नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ है गांव, घंटों गांव में बैठा रहा बाघ, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन के साथ दिखे 4 शावक, का खतरबासा बफर जोन में बीजा मट्ठा बाघिन के साथ चहलकदमी करते नजर आए। मंडला जिले के 5 बच्चों को यूपी के महोबा जिले में बनाया गया बंधक, जबरन कराई जा रही मजदूरी, पुलिस और जन सहायता केंद्र ने बच्चों को कराया मुक्त। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला मुझे दीजिए जाना।